नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस जो आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। फाइनली मैं आप लोगों के ले आ चुका हूँ जियो गीगा फाइबर का एक ऑनेस्ट ट्रूली रिव्यू। तो गाइस इस वीडियो पे मैं पूरा आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, क्या स्पीड मेरे को मिल रहा है एंड मैंने कैसे जियो गीगा फाइबर का कनेक्शन लिया, क्या मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस हुआ जब मैं जियो फाइबर का कनेक्शन ले रहा था एंड कितने पैसे मेरे को देने पड़े एंड कौन सा प्लान अभी मैं करेंटली यूज़ कर रहा हूँ एंड कौन सा प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है एंड अगर आप पे जियो गीगा फाइबर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो कैसे आप कंप्लेन रेज करोगे। तो इस सभी टॉपिक को यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, अगर किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो जियो गीगा फाइबर कनेक्शन लगा सकते हो, तो उसका भी प्रोसीजर में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज बेल आइकन को दबा दें एंड सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह का और भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि जियो गीगा फाइबर ऑलमोस्ट सभी सिटी में आ चुका है। पहले ये नहीं था, लिमिटेड सिटी में था, बट ये ऑलमोस्ट सभी सिटीज में आ चुका है। तो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड जमशेदपुर से। तो जो लोग झारखंड जमशेदपुर से बेसिकली जो बिलोंग करते हैं, जियो गीगा फाइबर कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं या वो भाई इधर उधर घूम फिर रहे हैं पर भी उनका जियो फाइबर कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो भाई ये वीडियो का आपको बेसिकली देखना है। आप अगर झारखंड से बिलोंग नहीं करते तो भी आप इस वीडियो को देखो, आपको क्या स्टेप फॉलो करना है जियो फाइबर कनेक्शन को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आउट ऑफ झारखंड से आप बिलोंग करते हो तो सिंपली यहाँ पर मैं एक हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, उसमें आपको कॉल करना है एंड वहाँ पर आपको कस्टमर केयर से बात करना है एंड नियरेस्ट जियो गीगा फाइबर ऑफिस के बारे में आपको जानकारी लेना है। वहाँ पर आपको जाना है एंड वहाँ पर अपना जो भी आपका डिटेल्स है एंड आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना है एंड आपका डॉक्यूमेंट्स बेसिकली लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है एंड आपका फोटो लगता है एंड पूरा मतलब ये पूरा लाइफ प्रोसीजर होता है, मतलब हाथों हाथ आपको पेमेंट करना रहता है एंड देन आपका जो जियो फाइबर का कनेक्शन है वो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली जियो फाइबर के कनेक्शन में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं। पहला, यहाँ पर आपको एक 4K सेटर बॉक्स मिलता है और एक यहाँ पर आपको ONT मॉडम मिलता है। ऑप्शन है कि आप सेटर बॉक्स ना लें, सिर्फ आप एक मॉडम लें और उसको चलाएं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, उसमें आपको 2500 रुपये देने पड़ते हैं, जिसमें से कि 1000 रुपये जो है कि आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है। एंड जो सेकेंड वाला है उसमें आपको सिर्फ 1500 रुपये देने पड़ेंगे एंड बेसिकली यहाँ पर आपको सेटर बॉक्स नहीं मिलेगा, नोट करना इस बात को। एंड दोनों प्लान में 2500 वाले एंड 1500 वाले, अगर आप दोनों लेते हो फर्स्ट टाइम न्यू कनेक्शन में, तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट फ्री ट्रायल मिलता है 30 डेज का, जो कि आपका 150 Mbps है दोनों में मिलता है एंड 3300 GB आपको यहाँ पर डेटा मिलता है, Mbps अपलोड एंड डाउनलोड, जो कि जियो गारंटी करता है। एंड यहाँ पर डेटा के हिसाब से ट्रूली बोला जाता है, बट ट्रूली नहीं, अनलिमिटेड नहीं है। यहाँ पर आपको गैपिंग दिया गया है 3300 GB का एंड भाई 3300 GB बहुत होता है, मतलब यार एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत है, चलिए ठीक है। पर आप अगर सेटर बॉक्स वाले प्लान को चूज करते हैं जो कि 2500 वाला है, यहाँ पर आपको 11 OTA ऐप मिलते हैं, जिसमें कि आपको हॉटस्टार से लेके ऑल्ट बालाजी, जी, सोनी, वूट एंड बहुत सारे ऐसे ऑल्ट बालाजी बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको यहाँ पर ऐप्स मिल जाएंगे, जो कि 1500 रुपये वाले में आपको नहीं मिलते, क्योंकि इसमें अपने को सेटअप बॉक्स ही में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप सिर्फ नेट चला सकते हैं एंड बेसिकली आप एक आपका जो PNT नंबर आपको मिलेगा उससे आप कॉल कर सकते हैं। दोनों में आपको कॉलिंग फैसिलिटी फ्री मिलता है, ये बात आप जान लें, जो कि अनलिमिटेड है वॉइस कॉल, ठीक है। तो जो ये आपको प्लान मिल रहा है दोस्तों 150 Mbps का, ये आपका 99 का प्लान है, जो कि GST लगा के 1170 रुपये के आसपास आपका पड़ता है, ठीक है। तो दोनों में ये प्लान मिलता है आपको एंड आफ्टर दैट भाई अब ये क्वेश्चन आता है कि आफ्टर दैट मेरे को कौन सा प्लान लेना चाहिए। सो वेल गाइस, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 399 से आपका इसका बेसिक प्लान चालू होता है, जो कि 30 Mbps का है, अपलोड एंड डाउनलोड यहाँ पर आपको 30 Mbps मिलेगा एंड उससे ज़्यादा एक और आपको प्लान मिलेगा 100 Mbps का, जिसको आपको 699 पड़ेगा एंड GST इसका अलग से है। एंड जो आपका जो बेस जो आप एक नॉर्मल प्लान बोल सकते हो, जिसमें कि आपका सेटअप बॉक्स भी आपका रन करेगा, जो कि है 99 का, जो कि आपको 1170 रुपये के आसपास पड़ेंगे, जिसमें कि आपको 14 ऐप मिलेंगे OTA ऐप, जिसमें कि आप आराम से अपने जो भी आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो आप फ्री में ना जो भी मूवीज वूवीज देख सकते हो। बट याद रखना कि 399 एंड 699 में आपका जो सेटअप बॉक्स है वो OTA ऐप उसमें आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, उसमें आपको नहीं मिलेगा। एंड बाकी इसका प्लान जो है दोस्तों 1500 रुपये से लेके आपका 8500 तक का प्लान है, जो कि
300 Mbps से लेके 1 Gbps तक का प्लान है जो कि बहुत हाई है। मतलब बेसिकली आप ये तीन प्लान में जा सकते हो, 30 Mbps, 100 Mbps एंड 150 Mbps। ये ऑलमोस्ट बहुत ही सुपीरियर प्लान है आप लोगों के लिए, तो इसमें आप जा सकते हो। ठीक है, 30 Mbps में आपको कोई OTA ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलता है। एंड वही 100 Mbps में भी प्लान में ये रूल फॉलो होता है। बाकी जैसे ही आप 99 का प्लान से लेके 8500 तक के प्लान में जाते हो तो इसमें आपको OTA ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो बेसिकली ये हो गई प्लान्स की बातें, पर हो गई प्लान्स की बातें, अब हम चलते हैं कि भैया हमको नया फाइबर कनेक्शन कैसे मिलेगा। ठीक है, क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है एंड कहां से हमको कॉन्टेक्ट करना है। और अगर आप जमशेदपुर से बिलोंग करते हो, इट्स मीन आप जमशेदपुर में किसी भी कोने में रहते हो, पासवान भाई से आप बात करो। भाई वो असिस्टेंट मैनेजर है जियो में, बहुत ही हेल्पफुल नेचर है। मतलब रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि मेरे जो जियो गीगा फाइबर का जो वायर है किसी ने कट कर दिया था, एंड विकी भाई ने मेरा मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पहले मेरे को कंप्लेन रेज करना पड़ा, एंड उसका भी प्रोसीजर मैं बताने वाला कैसे आपको कंप्लेन करना है। सिंपली आपको एक जियो के हेल्पलाइन में फ़ोन करना है, वहाँ पर आपको अपना प्रॉब्लम बताना है, 2 से 3 घंटे के अंदर जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब जियो का जो सर्विस है जमशेदपुर में वो बहुत ही सुपीरियर है, मतलब बहुत ही फास्ट है। अब बात रही कि यार मेरे एरिया में जियो फाइबर का कनेक्शन 4K सेटर बॉक्स मिला है, देख सकते हैं यहाँ पर अपने को सेटर बॉक्स में क्या मिलता है। अपने को सेटर बॉक्स मिलता है एंड यहाँ पर अपने को एक HDMI पोर्ट मिलता है, ये हमारा पावर केबल है। एंड यहाँ पर आपको एक वॉइस कमांड वाला रिमोट मिलता है जो कि आपको सेटर बॉक्स में ही इंक्लूड होता है इस बॉक्स पे। ठीक है, और तो कुछ मिलता नहीं है भाई। हमारा डुअल बैंड राउटर जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक का सपोर्ट करता है, तो भाई डुअल बैंड राउटर है एंड राउटर में कोई भी एंटीना फेंटीना नहीं है, सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी। एंड बहुत ही लाइट वेट राउटर है दोस्तों। एंड राउटर में बेसिकली अपने को यहाँ पर जैसे देख सकते हैं 4 LAN केबल मिलते हैं, एंड यहाँ पर अपने को पावर केबल मिलता है, और ये रहा इसका LAN केबल, एंड ये भी ये अपना शायद दोस्तों टेलीफोन केबल है। अगर आपके पास लैंडलाइन केबल है तो उसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो वेल गाइस, ये हमारा राउटर है, डुअल बैंड राउटर है जियो गीगा फाइबर का। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसे लोगे तो ये इस तरह से रेड ब्लिंक करेगा, 2 से 3 मिनट तक रेड ब्लिंक करेगा। तो जैसे ही भैया लोग यहाँ पर कुछ कोड्स रहते हैं एंड वहाँ से जो एक्टिवेशन कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो ये रेड लाइट है वो ग्रीन में ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ग्रीन में ये ऑन होता है देन आप इंटरनेट सर्व करने के लिए रेडी हो। तो जब फर्स्ट टाइम रहता है दोस्तों ये कुछ राउटर्स अपडेट लेते हैं, एंड वो मेरे को पता नहीं बट भैया लोग बोले हैं कुछ अपडेट लेते हैं। एंड गाइस जैसे कि देख सकते हैं ये है अपना जो जियो गीगा फाइबर का पतला तार आया हुआ है। आई थिंक ये सिंगल कोर है कि डुअल कोर है ये नहीं पता, कोर आई थिंक ये सिंगल कोर का तार है। तो ये मिलता है अपने को, पर अपने को 4 LAN पोर्ट मिलते हैं। एंड ये जो जैसे कि देख सकती है कॉलिंग के लिए, बेसिकली अगर आपके घर पे लैंडलाइन रहेगा तो उस पर कोड आता है, पोर्ट आता है, तो इसमें आप लगा के उसमें कॉलिंग का फैसिलिटी ले सकते हो। तो बाकी यार राउटर बहुत ही लाइट वेट है, मतलब कसम से बताऊँ राइट जितना साइज़ राउटर का आपको दिख रहा है बहुत ही लाइट वेट है। यानी धूल वूल कुछ लगी हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो बेसिकली यही है यार, आपको यही मिलता है जियो गीगा फाइबर में। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा जब आप अपना सेटअप बॉक्स को ऑन करोगे। तो पहले रेड लाइट ब्लिंक करेगा, तो ये आपका रिमोट, कुछ इस तरह से आपको रिमोट मिलता है जिसमें कि आपको वॉइस कमांड यहाँ पर आपको मिलता है। एंड ये आपका पावर बटन, तो सिंपली हम इसे ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ पर आपका ग्रीन लाइट जल जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कन्फिग कर लेना है अपने वाईफाई से, जो भी आपका वाईफाई है राउटर का, जो भी वाईफाई है। तो मैंने पहले से यहाँ पर कनेक्ट करके रखा हुआ है। एंड बेसिकली यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट वॉइस कमांड मिलता है, वो तो आपने देख लिया। तो ये कुछ ऐप्स हैं जो कि आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिलते हैं। एंड एक बात ध्यान रखना कि ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, अगर आप इसमें कोई डिफ़ॉल्ट ऐप इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको YouTube भी मिल जाता है, Netflix यहाँ नहीं मिलता है, Amazon Prime अगर आपके पास है तो आप इंस्टॉल करना, और 1400 के आसपास वाला प्लान लेते हो तो उसमें Amazon Prime मिल जाता है। तो बेसिकली वूट किड्स ये सब हॉटस्टार एंड और भी आपको यहाँ पर प्लान है वो सब मिल जाते हैं, MX Player, Jio News, वूट, Sony Leap, तो ये सब आपको इसमें फ्री मिलता है। एंड इसमें आपको वॉइस कमांड भी दिया हुआ है, तो सिंपली यहाँ मैं वॉइस कमांड को देखता हूँ यार कैसा काम कर रहा है। ओपन द यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, सो कुछ इस तरह से आपको यार दिखता है। तो यहाँ पर अपन एज अ गेस्ट लॉग इन करते हैं यार, ओके में क्लिक करना है। सो बेसिकली ये जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये एरो मिलता है, यहाँ से आपको आपका राइट जाएगा
एंड यहाँ से आपका लेफ्ट जाएगा अप डाउन के लिए यहाँ पर है। एंड यहाँ पर आपको ओके का बटन, ये जैसे तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ओके का बटन से आप ओके करके कुछ भी प्ले कर सकते हो। एंड बाकी एक नॉर्मल टीवी रिमोट जैसा है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो सिंपली अपन अपना चैनल सर्च करते हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। सारा जो खुल चुका है वीडियोस, तो मैं कोई वीडियो प्ले करके देखता हूँ एंड सभी HD क्वालिटी में है यार। तो बेसिकली मैं इसे ही ले लेता हूँ। ओके, तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं फुल HD में चल रहा है ये एंड मेरे को कोई बफर उफर देखने का नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इसी तरह अपने यार देखो सेटर बॉक्स को ऑपरेट कर सकते हो। बाकी ये बहुत सिंपल है, नॉर्मल रिमोट टाइप का है। तो ये रहा सेटर बॉक्स का रिव्यू। यहाँ पर मैं ऊकला खोल लेता हूँ स्पीड टेस्ट। तो अभी मैं लैन से आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि लैन में मेरे को कितना स्पीड मिलता है। यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को पिंग मिल रहा है वो 28 का मिल रहा है। एंड जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो अप्रॉक्स 130-140 टच करता है ऑलमोस्ट। ओके, जो मेरा डाउनलोडिंग स्पीड है वो 142.46, बहुत ही अच्छा है यार। लोडिंग स्पीड है दोस्तों वो 134 Mbps मिल रहा है। तो ये फ्लैक्चुएट होते रहता है, मतलब ये आपका 130 से अपर ही स्पीड आपको देगा लैन में। एंड बेसिकली जब आप इसे वाईफाई के थ्रू यूज़ करोगे तो भी मैं वाईफाई का भी टेस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। पर मैं अपने सिंगल बैंड से कनेक्ट हो चुका हूँ जो कि 2.4 GHz का है। तो मैं इसका आपको स्पीड दिखा दूँ। एंड ये मेरा जो 5 GHz वाला जो है मेरा जो डुअल बैंड वाला, तो इसका भी मैं स्पीड दिखाऊंगा। तो पहले मैं इसका मैं दिखा दूँ। तो चलिए हम ओकला खोल लेते हैं यार, क्योंकि वही स्पीड टेस्ट दिखाता है। इसलिए हम स्पीड टेस्ट पे चलते हैं एंड यहाँ पर अपन गो में क्लिक करते हैं। सो यहाँ भी अपने अप्रॉक्स 28 ms दिखा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को डाउनलोडिंग स्पीड 71.6 mbps मिल रहा है एंड अपलोडिंग 105 चल रहा है। तो ऐसे ये फ्लैक्चुएट होते रहता है। तो भाई अगर आप वाईफाई से यूज़ करोगे 2.4 GHz से, तो भाई आपको इतना ही मिलेगा। एंड आप सभी को पता है कि वाईफाई में स्पीड थोड़ा अपने को कम मिलता है कंपेयर टू लैन केबल। तो अब हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने 5 GHz वाले बैंड को। तो सिंपली आपको यहाँ पर कनेक्ट में मैं क्लिक कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड चलिए अब हम स्पीड टेस्ट करके देखते हैं कि अपने को कितना स्पीड मिल रहा है। तो यहाँ सर्वर फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो चलिए हम गो में क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 5 GHz वाला जो बैंड है उसमें अपने को 143 Mbps एंड 131 Mbps का स्पीड मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतर यार कंपेयर टू 2.4 GHz वाले बैंड से। जो हमारा सिंगल बैंड है उससे तो बहुत ही अच्छा है यार। तो बेसिकली दोनों में स्पीड आपको कांस्टेंट मिलता है यार। आपको डाउनलोड टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि यार अपन जब गेम डाउनलोड या किसी भी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं जियो फाइबर से तो अपने को क्या स्पीड मिलता है। तो सिंपली हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं एंड ये मेरा वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्री PC गेम्स मिलते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। तो मैं अपने सर्वर से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पार्ट 1 को डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ से मैं डाउनलोड को स्टार्ट कर लेता हूँ। सो जैसे कि देख सकते हैं जो मेरा 2 GB का फाइल है वो अप्रॉक्स मेरा 5 मिनट के आसपास डाउनलोड हो रहा है एंड यहाँ पर मेरे को अभी अप्रॉक्स 80 Mbps का MB/s का स्पीड मिल रहा है। मतलब जैसे कि देख सकते हैं वही स्पीड जो अपने को ओकला में शो हो रहा था। तो बेसिकली आपको यही स्पीड टेस्ट देखने को मिलेगा डाउनलोड में। तो सिंपली आप यहाँ से मैं इसे पॉज करता हूँ क्योंकि मेरे को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा वेबसाइट है hakus.xyz, यहाँ पर आपको बहुत सारे PC गेम्स मिलेंगे फ्री में एंड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। सिंपली मैं ऐसे कट करता हूँ। अब हम आते हैं यूट्यूब पे कि अगर हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो भाई अपना जो वीडियो है वो कितने मिनट या कितने सेकंड्स में हो जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ पर एक टेस्ट वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक टेस्ट वीडियो लेता हूँ। ओके, तो इसे मैं अपलोड करता हूँ। ये अप्रॉक्स आपका 500 MB के आसपास का वीडियो है। सो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को अप्रॉक्स 2 मिनट लग रहे हैं 45 सेकेंड्स एंड ऑलमोस्ट विद इन आपका 30 सेकेंड्स के अंदर मेरा वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहा है 27 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं मतलब वीडियो कितना टाइम लेता है अपलोड होने में। 90 सेकेंड्स। जो हमारा वीडियो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है विद इन अ सेकेंड्स, मतलब 20 या 30 सेकेंड्स में जो अपना 500 MB का वीडियो है फाइनली अपलोड हो गया है। और अगर आप 4K में वीडियो अपलोड करते हो 5 से 6 GB में तो अप्रॉक्स आपका 2 से 3 मिनट के अंदर वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो वेल गाइस यहाँ पर मैंने आपको लाइव दिखा दिया डाउनलोड स्पीड एंड ये आपका अपलोडिंग स्पीड। तो वेल गाइस इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जियो फाइबर का जो स्पीड है वो आपको कितना ऑसम मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि अपने को स्पीड नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा।
तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो जियो गीगा फाइबर का स्पीड है वो आपको बहुत ही औसम मिलने वाला है। और यही कुछ स्पीड्स थे आपको बताना था, एंड बाकी आपको मैंने वीडियो पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है, आपको बता दिया है कि आपको क्या मिलने वाला है एंड क्या नहीं मिलने वाला है। तो वेल गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, मतलब जियो गीगा फाइबर से रिलेटेड कौन सा प्लान के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, किसका रिव्यू दूँ, तो प्लीज़ आप नीचे टेस्ट करके बताना। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इस जियो गीगा फाइबर को 10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को 10 दिन ऐसा कोई भी ऐसा इशू नहीं आया। तो जो कस्टमर सपोर्ट रहता है दोस्तों, वो बहुत रैपिडली काम करते हैं। खासकर मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा कुछ हमारे अभिजीत सर एंड रवि सर एंड नीरज भैया, हेल्पफुल नेचर के आदमी है यार, कसम से बताऊँ तो इन सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। कि आज की वीडियो बस इतना ही था, एंड अगर आप जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको टेंशन लेने का नहीं है, नीचे लिंक मिल, नीचे नंबर मिल जाएगा असिस्टेंट मैनेजर का, तो भैया बहुत ही औसम है, तो आप आराम से जाकर उन्हें बात कर सकते हैं। एंड अपना लोकेशन प्लेस, अपना लोकेशन प्लीज़ सेंड कर देना उन्हें, देन वो आपको बता देंगे कि आपके नियरेस्ट एरिया में जियो गीगा फाइबर कब तक आ जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।